मंच पर उपस्थित हरियाणा सरकार के हमारे पंचायत मंत्री श्री महिपाल जी, राज्यसभा से हमारे सांसद भाई कार्तिकेय शर्मा जी, मेंबर पार्लियामेंट गुजरात से यहां चुनाव की देखरेख के लिए आए हैं भाई केसरी सिंह जी, इस लोकसभा के संयोजक यानी चुनाव के प्रभारी एवं अपने घरौंडा के विधायक श्री हरविंदर कल्याण जी, पार्टी के अपने जिलाध्यक्ष भाई योगेंद्र राणा जी, पूर्व विधायक श्री रमेश कश्यप जी, पूर्व विधायक श्री जिलेराम शर्मा जी, वरिष्ठ नेता महिला मोर्चा बहन निर्मल बैरागी जी, अध्यक्ष राजपूत सभा भाई एमपी सिंह जी, उपस्थित आज की सभा में हमारी मातृशक्ति, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पत्रकार छायाकार मित्रों, सबसे पहले मैं आभारी हूं आदरणीय राजनाथ सिंह जी का, क्योंकि मुझे याद है 2019 में जब विधानसभा के चुनाव के नाते से हमने एक आशीर्वाद यात्रा शुरू की थी, आपने उस आशीर्वाद यात्रा को कालका में आकर के आशीर्वाद दिया था। पूरे हरियाणा में यात्रा हुई, चुनाव हुए और हम लोग दूसरी बार विधानसभा में जीत करके और अपनी हमने सरकार बनाई थी। आपका आशीर्वाद उस समय फलीभूत हुआ था। आज भी आप इस चुनावी यात्रा में अपना आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। निश्चित रूप से न केवल करनाल लोकसभा बल्कि आज हरियाणा में आपकी तीन सभाएं हैं, इसके बाद कुरुक्षेत्र लोकसभा में भी आपका कार्यक्रम है और तीसरा कार्यक्रम है आपका, तीसरा भिवानी, थोड़ा सा अपने ही लोकसभा में ज्यादा घूमना है तो तीसरा हमारा भिवानी लोकसभा में भी भिवानी के अंदर कार्यक्रम। मैं समझता हूं आपके इस कार्यक्रम से पूरे हरियाणा में जो हमने लक्ष्य तय किया है कि 10 की 10 लोकसभा हरियाणा की हम जीत करके और साथ में करनाल विधानसभा जहां उपचुनाव हो रहा है, हमारे मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहे हैं, 11 के 11 कमल खिला करके और हम 4 जून को आप लोगों की झोली में डालेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। भाइयों बहनों, पिछले 10 साल में देश की रक्षा सुरक्षा में सेनाओं को एक प्रकार से मान सम्मान दिला करके उनका एक उच्च स्थान करने के लिए जो भी काम देश में आपने माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री इन लोगों ने संभाला है, देश के सेनाओं का मनोबल बहुत ऊंचा हुआ है। कोई होली दिवाली ऐसा अवसर नहीं आता जब हम प्रधानमंत्री जी को अपनी सेनाओं के बीच में नहीं पाते हैं। सेनाओं का जो मनोबल कांग्रेस के समय होता था उसको कहीं ऊंचा अपने उठाया है। और मैं एक बात कहूंगा कि जैसे हमने यानी केंद्र सरकार की ओर से प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, रक्षा मंत्री जी ने धारा 370 को समाप्त किया है, इसके कारण से जम्मू कश्मीर देश का अभिन्न अंग हुआ है, तो वहां पर सीमाओं में जो जम्मू कश्मीर को लेकर के विवाद रहते थे, पाकिस्तान के साथ विवाद रहता था, अब वो एक प्रकार का विवाद शांत भी हुआ है और हमारे देश के जो सैनिक हैं उनकी शहादतों में कमी आई है। देश के अंदर सैनिक हों अथवा पूर्व सैनिक हों, इनका सबका ध्यान रखने का काम जिस प्रकार से आपने किया है, हरियाणा उसमें गौरवान्वित है। क्योंकि हम जैसे देखते हैं हरियाणा हमारा सेना का यानी जवानों का, किसानों का और पहलवानों का प्रदेश है। यहां देश के जितनी सेना की शक्ति है 10% सैनिक हमारे हरियाणा से संबंधित है, जबकि हमें हरियाणा की आबादी देश की केवल 2% है। हमें इस बात का गर्व है कि हम देश की रक्षा में अपनी भूमिका को निभाते हैं, जबकि कांग्रेस के समय में इन्हीं सेना के बल को किस प्रकार से कमजोर किया जाता था। कभी भी सैनिक ऑपरेशन कोई होता था, कांग्रेस के लोग सबूत मांगते थे और सबूत मांगने का मतलब उनकी अपनी राजनीति जैसे चलती होगी लेकिन सेनाओं का मनोबल टूटता था। सेनाओं का मनोबल टूटने का मतलब हम देश में कमजोर होते थे। तो मैं आदरणीय रक्षा मंत्री जी का इस बात के लिए आभारी हूं कि आपने हमको जो समय दिया है, इससे मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमारे हरियाणा के लोग कांग्रेस को सबक सिखाएंगे और जो कांग्रेस के लोग अफवाहें फैलाते हैं, तरह तरह के र्यूमर्स, तरह तरह के झूठ बोलने का जो काम करते हैं, निश्चित रूप से ये हरियाणा की जनता उसको नकारेगी और हरियाणा की जनता निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को और अपनी सरकार को
तीसरी बार दोहराने का काम करेगी और ये 400 पार इस बात का लक्ष्य पूरा निश्चित करेंगे। मैं आपका पुनः हरियाणा की जनता की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, बहुत आभारी हूं। आज आए आपका हमको मार्गदर्शन मिलेगा, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी का कि जिन्होंने हम सबका मार्गदर्शन किया। और अब मैं ऐसे महबूब नेता को बुलाना चाहूंगा कि जिनका हमें लंबे समय से इंतजार था, किसान नेता, समाज के सिरमौर, 36 बिरादरी की शान, जिनके दरवाजे हरियाणा व पूरे देश के सर्व समाज के लिए हमेशा खुले रहते हैं, ऐसे नेता पर हमें गर्व है, नाज है, फक्र है। और जन जन के प्रिय श्री राजनाथ सिंह जी, रक्षा मंत्री जी से मैं अनुरोध करता हूं कि वो अपने उद्बोधन से हम सबको अनुग्रहित करें। आदरणीय श्रीमान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी। बहनों भाइयों, बहनों भाइयों, मैं आप सबसे क्षमा चाहूंगा। आंध्र प्रदेश की एक सार्वजनिक सभा को संबोधित करने के बाद तो मैं ये मंच से उतर रहा था। आप लोगों ने देखा होगा कि मेरी जल्दी जल्दी चलने की आदत है, जल्दी जल्दी चढ़ने की आदत है, जल्दी जल्दी उतरने की आदत है। उसी में मेरा पैर फिसल गया था, इसलिए एक पैर में, दाहिने पैर में चोट लग गई है। डॉक्टर्स ने कहा कि 7 दिन आपको आराम की आवश्यकता होगी। मैंने कहा यदि आराम करना होगा तो मैं 30 तारीख को बाद जबकि चुनावी प्रचार का दौर समाप्त होगा तभी मैं आराम करूंगा, उसके पहले आराम नहीं करूंगा। बहनों भाइयों, यदि आज आपके बीच में आया हूं, कुछ दर्द भी लेकर आया हूं और कुछ दो टूक बातें करने के लिए भी आपके पास आया हूं। पहली बात तो मुझे यह लगती है, हरियाणा का लोकसभा का चुनाव इस समय हो रहा है, हरियाणा के साथ साथ पूरे देश का चुनाव हो रहा है और उसके 6 महीने के बाद फिर हरियाणा विधानसभा का भी चुनाव होगा। आप जानते हैं कि हर साल विधानसभा का चुनाव होता है, 5 साल पर लोकसभा का चुनाव होता है। बहनों भाइयों, इसमें संसाधन और समय दोनों बर्बाद होते हैं। जैसे इस बार हम लोगों ने चुनावी घोषणा पत्र में फैसला किया है कि अगली जो हमारी सरकार बनने जा रही है उसमें हम एक ऐसी व्यवस्था करेंगे, वन नेशन और वन इलेक्शन होना चाहिए, लोकसभा और विधानसभा के सारे चुनाव साथ होने चाहिए। यह काम तो आजाद भारत के इतिहास में बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं हो पाया। और जब हम लोगों ने कहा कि नहीं, हम चाहते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन हो, एक ही बार में लोकसभा विधानसभा सारे चुनाव निपट जाएं, हमारे कांग्रेस के मित्र और दूसरे राजनीतिक पार्टी के मित्र कहते हैं अरे भाई ये कैसे कर लेंगे, अरे जो असंभव है उसे संभव करके दिखाने की क्षमता किसी राजनीतिक पार्टी के पास है तो वह भारतीय जनता पार्टी के पास। और बहनों भाइयों, उसको करके हम दिखाएंगे। और हरियाणा में एक वेदना लेकर आया हूं और मैं जानता हूं कि हरियाणा के लोग स्वाभिमान के धनी होते हैं, मान सम्मान और स्वाभिमान उनके हृदय की सबसे बलवती भावना होती है। वह भूखों मर सकते हैं लेकिन अपने मान सम्मान स्वाभिमान से कभी समझौता नहीं कर सकते। और मैं समझता हूं कि सबसे बड़ी पूंजी इंसान की होती है, इंसान की विश्वसनीयता, इंसान की साख, यानी कोई व्यक्ति जो बात बोले उसे पूरा करे, वही वास्तव में इंसान है। लेकिन मैं सारी राजनीतिक पार्टियों को देख रहा हूं, कहती कुछ है और करती कुछ है। आप लोगों ने कांग्रेस पार्टी को इस देश में
50 वर्षों से अधिक का समय अखंड हुकूमत करने के लिए दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा था हम गरीबी को समाप्त करेंगे इस भारत से, क्योंकि भारत अब आजाद हो गया है। श्रीमती इंदिरा गांधी ने कहा कि मैं भी समाप्त करूंगी। राजीव गांधी जी आए, उन्होंने भी कहा कि हम गरीबी समाप्त करेंगे। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी आए, उन्होंने भी कहा कि हम गरीबी समाप्त करेंगे। बहनों भाइयों, गरीबी समाप्त नहीं हुई। और मेरे आंकड़े पर यदि किसी को संदेह हो तो मैं अपने प्रेस के दोस्तों से भी कहना चाहता हूं, वह इसको वेरीफाई कर सकते हैं, इसको सत्यापित कर सकते हैं। आजाद भारत के बाद, आजाद भारत में पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर करने में कामयाबी हासिल की है, तो उसका नाम है श्री नरेंद्र मोदी। और मैं आपको यकीन दिलाकर जाना चाहता हूं बहनों भाइयों, भारत की पूरी गरीबी को समाप्त करने में बामुश्किल 10 से लेकर 15 वर्षों का ही समय लगेगा यदि हमारी सरकार आगे काम करती रही। आज तक जो हम लोगों ने कहा है उसे किया है। कोई हमको बतला दे, हमारे यहां कोई व्यक्ति गलत वादे कर सकता है, लेकिन पार्टी का जहां तक सवाल है, पार्टी मेरे बहनों भाइयों कभी गलत वादे नहीं कर सकती है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं 1951 में जब भारतीय जनसंघ के रूप में हम लोगों ने अपनी राजनीतिक यात्रा इस भारत में प्रारंभ की थी, उस समय हम लोगों ने कहा था जिस दिन हमारी केंद्र में सरकार बन जाएगी, धारा 370 जिसके तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है, उसे हम चुटकी बजाकर समाप्त कर देंगे। और आपने देखा कि समाप्त कर दिया। हम लोगों ने कहा था जिस दिन दिल्ली के संसद के दोनों सदनों में हमको स्पष्ट बहुमत मिल जाएगा, ऐसी परिस्थितियां पैदा होंगी कि अयोध्या की धरती पर भव्य राम का मंदिर बनकर रहेगा। और आपने देखा बन गया। और बहनों भाइयों, मुझे याद है कि जिस समय हम लोग 1984 में झंडे लेकर रामलला का नारे लगाते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर यहीं बनाएंगे, हमारे विरोधी ये कहते थे हाँ बेटा रामलला हम आएंगे, मंदिर यहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। बहनों भाइयों, अब 22 जनवरी का दिन आ गया, हमारे प्रधानमंत्री ने 12 दिन का अखंड उपवास करके धर्माचार्यों के मार्गदर्शन में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में कर दी। अब आपको कैसा लगता है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं जितना जानता हूं भारत के सांस्कृतिक और धार्मिक इतिहास को, उस आधार पर मैं कह सकता हूं बहनों भाइयों, मुझे तो लगता है अब रामलला अपनी कुटिया से निकलकर, अपनी झोपड़ी से निकलकर अपने महल में प्रवेश कर चुके हैं। भारत में राम राज्य का आगाज होकर रहेगा और दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। बड़े बड़े विद्वान हमसे पूछते हैं, बड़े बड़े विद्वान पूछते हैं साहब राम राज्य कैसे आ जाएगा, राम राज्य का क्या मतलब है। मैंने कहा जिस दिन हर भारतवासी के अंदर अपने कर्तव्य के प्रति बोध, दायित्व बोध, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिस दिन इस बात का एहसास हो जाएगा कि हमारा जिम्मेदारी क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है, मैं मान लूंगा कि उसी दिन भारत में राम राज्य आ गया। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को भी जंगल इसीलिए जाना पड़ा था, कैकेयी के अंदर यह कर्तव्य बोध नहीं था कि हमें क्या करना चाहिए, उनको यह लगता था यह मेरा अधिकार है, मेरे बेटे को ही सिंहासन मिलना चाहिए। उसी कारण सबसे बड़ा संकट उस समय भी पैदा हुआ था मेरे बहनों भाई। इसीलिए मैं मानता हूं जिस दिन लोगों के अंदर इस प्रकार की चेतना जागृत हो जाएगी कि हमारा इस समाज के प्रति, परिवार के प्रति, देश के प्रति यह कर्तव्य बनता है, मैं मानता हूं कि उसी दिन इस देश में राम राज्य आकर रहेगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। हम लोगों ने, मैं याद दिलाना चाहता हूं, यह भी कहा था 3 तलाक की प्रथा को समाप्त करेंगे। मुझे याद है बड़े बड़े विद्वान यह कहते थे कि मिस्टर राजनाथ सिंह
आप दूसरे धर्म के मामलों में क्यों हस्तक्षेप करना चाहते हैं? भारत एक सेकुलर पंथ निरपेक्ष देश है, क्यों ऐसी बातें आप लोग कर रहे हैं? हिंदू मुसलमान के बीच दूरी बनाने की आप कोशिश क्यों कर रहे हैं? तलाक का यह विषय तो मुस्लिम धर्म के लोगों का है। बहनों भाइयों, मैं साफ कर देना चाहता हूं और तहे दिल में यह बात कर रहा हूं।